हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने अपने आज से करीब जब मैं 15 साल छोटी थी वो वाली फ़ोटो डाली और आज की फ़ोटो फेसबुक पे डाली, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्या क्या चेंजेस आए, और वो कमेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि लोगों ने मेरे लिए क्या क्या लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है अनिल प्रजापति जी ने, बहुत ही सुंदर बहन, थैंक्स। उसके बाद लिखते हैं बनवारी कुशवाहा जी, सो स्वीट, थैंक यू बनवारी जी। इसके बाद लिखते हैं श्याम धाकड़ जी, ओनली वन डिफरेंट, पहले तुम सांवली थी अब मेकअप की वजह से गोरी हो गई हो। सो दोस्तों, उस फोटो में मैंने कोई ज़्यादा मेकअप नहीं किया, लिपस्टिक लगाई है बस और हेयर स्टाइल करी और अच्छे कपड़े पहने हैं। वो गोरी होने का मतलब मेकअप नहीं था, गोरी होने का मतलब था आजकल मोबाइल बिल्कुल एकदम नए आ गए हैं, MI वीवो जैसे फ़ोन आ गए हैं तो हर इंसान गोरा दिखता है। आई थिंक आपने एक कहावत सुनी होगी, मुझे एक्चुअली प्रॉपर पूरी तरह से याद नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाए होए ना गोरा कोए, वीवो मोबाइल फ़ोन आने से अब काला बचे ना कोए। तो एक मुहावरत है ना, आई थिंक रेमन पानी राखियो समथिंग लाइक दिस, बिन पानी सब सून। एक्चुअली सॉरी गाइस, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया हिंदी पढ़े हुए, 10th 12th में पढ़ी थी। सो उस टाइप के मुहावरे से ये मिलता जुलता है। तो दोस्तों, मेकअप का कोई यूज़ नहीं है, सब कैमरे का कमाल है, और वो सबसे अच्छे कैमरे वाले का फ़ोटो था इसलिए। इसके बाद लिखते हैं यहाँ पे क्रिस, वाह यार क्रिस भी नाम होते हैं आजकल के लोगों के। क्रिस ठाकुर जी लिखते हैं, कुछ भी नहीं आया। भाई ऐसे कैसे नहीं आया कुछ भी, 15 साल में इंसान कितना बदल जाता है। डिंकू सेन जी लिखते हैं, डिंकू ये भी कोई नाम है डिंकू। सब कुछ चेंज, बिल्कुल जी सब कुछ चेंज। इसके बाद लिखते हैं ओम प्रजापति जी, पहले पागल थी और अब महापागल। भाई मैं कहाँ से पागल हो गई, मैं वीडियो बना रही हूँ तो क्या इसका मतलब पागल हूँ, मैं फ़ोटो पोस्ट करती हूँ तो क्या इसका मतलब मैं पागल हूँ, तो और औरतों की तरह बस घर में खाना बनाऊँ, बस पति की सेवा करो, या कोई लड़की काम करे तो वो पागल है। ये मेरा वर्क है, ये मेरा काम है, मैं मेहनत करती हूँ, मैं क्लाइंटों के प्रोजेक्ट करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो अब मैं मेरा काम जो है वो लोगों को दिखाई दे रहा है, तो इसमें पागल वाली कौन सी बात है, फ़ोटो डालना है तो इसमें पागल वाली बात कौन सी है। पहले पागल थी महापागल, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो कुछ भी बोलो, पागल बोलो महापागल बोलो, जो बोलना है वो बोलो, आई डोंट केयर ऑफ द वर्ल्ड, आई डू वॉट आई लव रियली। सो इसके बाद लिखते हैं कृष्णा धाकड़ जी, नाइस लुकिंग जी, थैंक्स कृष्णा, थैंक्स अभिनव। इसके बाद इब्राहिम सॉरी गाइज, आई एम नॉट ए गुड इन इंग्लिश बट आई कैन स्पीक इंग्लिश। सो इसके बाद लिखते हैं विराट रघुवंशी जी, देखिए विराट रघुवंशी, इन्होंने अपने फेसबुक के आगे एस क्यों लिखा, या तो विराट ही लिख देते या फिर रघुवंशी, मतलब जो एस लगाया उसका मतलब समझ में नहीं आया, विराट रघुवंशी इज़ परफेक्ट नो डाउट। खैर अब हमारी नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते, इसके बाद लिखते हैं अभी प्रजापति जी, पहले और आप, ये कौन सा एक्सप्रेशन है भाई, सुपर लव ब्यूटीफुल। इसके बाद सनी हिंदू, ज़मीन आसमान का, भाई मुझे तो नहीं लगता कि ज़मीन आसमान का अंतर आया, थोड़े बहुत ही अंतर आए। इसके बाद बद्रीलाल प्रजापति को ये भी कोई कमेंट में लिखने वाली चीज़ है को। इसके बाद लिखते हैं जयंत केवट जी, कलर का, भाई ये कौन सी स्पेलिंग हुई, को लो ई आर कलर। इसके बाद लिखते हैं चंदन जी, 100 बहुत शानदार हो गई हो, पॉप गोस माय हार्ट। भाई पॉप गोस का मतलब क्या हुआ, मैं तो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं पॉप गोस का मतलब जानती हूँ, अगर आपको पता हो तो आप ही बता दो यार, पॉप को उसका मतलब क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। इसके बाद लिखते हैं नरेंद्र प्रजापति जी, एज का चेंज है, परफेक्ट एज का चेंज है।
रवि प्रजापति, गजब स्वीट, गजब कितनी चेंज हो गई हो, पहले काली माता अब दुर्गा माता। भाई देखो, इतनी काली तो नहीं दिखती हूँ मैं, मतलब जो ब्लैक प्यूपल होते हैं और जो वाइट प्यूपल होते हैं उनके बीच का जो मिडिल वाला बच्चा है, मैं वो वाली पर्सन हूँ ना। मैं ज़्यादा वाइट प्यूपल में आती हूँ ना ब्लैक प्यूपल में आती हूँ, काली माता से दुर्गा माता। सो फनी। इसके बाद लिखते हैं, गोरी हो गई हो पहले से, तो मुझे नहीं लगता कि गोरी हो गई। हाँ, हो भी सकते हैं, क्योंकि बचपन में कहते हैं बचपन में बच्चे गोरे होते हैं और बड़े में काले हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ है। मैं बचपन में बहुत डार्क थी एंड नाउ थोड़ा बहुत कलर चेंज आया है। इसके बाद प्रजापति, तो दोस्तों मुझे अधिकतर सारी कमेंट जो भी आती है प्रजापति लड़कों की आती है, पता नहीं क्यों। हेयर स्टाइल सेम है, वो हेयर स्टाइल तो सेम ही होगी दोस्तों। अब वो मैंने पुराने वाले फ़ोटो के साथ सेम टू सेम खींचने का कोशिश किया था, सारे चेंजेस आ गए। ऑफ कोर्स सारे चेंजेस आए, सब चीज़ें बढ़ गई, सब चेंज हो गया, बदल गए हो, गोड, सुपर, क्वीन। सो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कमेंट की। आई थिंक मुझे तो सारी कमेंट बहुत अच्छी लगी, किसी ने भी मतलब ऐसा नहीं किया है कि गालियाँ दी, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे भी ऐसे लोग होते हैं, वो पीपल्स लोग गालियाँ देते हैं, बट आई डोंट केयर ऑफ द पीपल, एज आई ऑलरेडी सेड, आई डू वॉट आई लव। सो दोस्तों, मैं जल्दी आपके लिए मेरी लाइफ के ऊपर भी, मतलब व्हाट आई डू माय डेली रूटीन, मैं आपके लिए लेकर आऊँगी अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। और मैं जब फ्रीलांसर, उसकी लाइफ भी मैं आपको दिखाऊँगी कि हाउ डू आई मैनेज माय वर्क, हाउ डू आई मैनेज माय प्रोजेक्ट। सो वो सब मैं आपके साथ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ। और दोस्तों, अगर आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। सो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरी आईडी है sonam.prajapati50, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए प्लीज़। हम लोग मिलके इकट्ठे होते हैं सब लोग और खूब मस्ती करते हैं। आप कमेंट कीजिए, हम लोग खूब मस्ती करेंगे, प्लीज़ ज्वाइन मी। सो देखिए, ये रहा वो फ़ोटो, यहाँ पे भी डाला हुआ है मैंने, और इसमें बहुत सारी कमेंट्स मुझे मिली हैं। ये तू ही लग रही है, क्या बोलूँ मैं। सो देखिए, मैंने बहुत सारे अपने फेसबुक पे फ़ोटो पोस्ट कर रखे हैं, सॉरी इट्स इंस्टाग्राम। सो प्लीज़ गाइज ज्वाइन मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपके लिए, और दोस्तों बताना आप और कैसे कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं, आपको मेरी वाली कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा पसंद है, तो प्लीज़ हिट द कमेंट नाउ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।